टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिप साइकिल, टीसीए साइकिल और द सेट्रिक साइकिल। हमारे पास ये तीनों नाम आप बोलते हैं, लेकिन याद रखो कि क्रिप साइकिल, सेट्रिक साइकिल और टीसीए साइकिल सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हो, इसमें क्रिप साइकिल की पॉसिबिलिटी होती है, सही है। और हमारे पास ये है कि हम सिंपल दो अल्फाज में कह सकते हैं कि क्रिप साइकिल इज जस्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। और दूसरी बात, हमारे पास जो क्रिप साइकिल है, दिस इज जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन होती है, लेकिन एटीपी जो है हमारे पास दूसरी फॉर्म में होती है, एनएडीएच एफएडीएच2 ये होती है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। लेकिन क्रिप साइकिल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में पॉसिबिलिटी होती है, और ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ दो चीजों में मुमकिन होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। आइदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आइदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बन जाता है, और यही पाइरूवेट जब एसिटाइल को एंजाइम में तब्दील हो जाती है या कन्वर्ट हो जाते हैं, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिप्स साइकिल। जब तक एसिटाइल को एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, क्रिप्स साइकिल या टीसीए साइकिल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फॉर द पॉसिबिलिटी पर्पस द पाइरूवेट शुड टू बी कन्वर्ट इनटू व्हाट, एसिटाइल कोएंजाइम। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, हमारे पास पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम। हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम जो है एक, हमारे पास दूसरा जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर हो जाता है, वो ऑक्सिलो एसिटेट के साथ मिलके जो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने, 1 2 3 4, सही है, चार नंबर का ऑक्सिलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम, यानी टू नंबर ऑफ कार्बन जो है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जब ये मिल जाती है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, साइट्रेट में। लेकिन याद रखो कि क्रिप साइकिल जो है एंजाइमेटिक टाइप ऑफ साइकिल है, एक एंजाइम दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन के लिए इसमें कौन वो है, कौन इसमें हिस्सा लेते हैं, वो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम विल टेकन पार्ट टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, सही है। तो हमारे पास बाद में क्या होते हैं, एडिशन ऑफ कार्बन होते हैं, बाद में रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसमें। तो हमारे पास जब ये ऑक्सिलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सेट्रेट में, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, सही है। ये जो है हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑफ एंजाइम है सेट्रेट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सेट्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है। और इसको कौन कन्वर्ट करता है, सिस एकोनिटेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सही। और इसमें क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है, सही, डिहाइड्रेशन, इसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है। इसमें फिर हमारे पास सिस एकोनिटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रेशन होते हैं, हाइड्रोजन आयन इसमें क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसमें एडिशन हो जाती है। और इस हाइड्रोजन आयन के एडिशन की वजह से ये क्या होता है, सिस एकोनिटेट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट इज आल्सो, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 नंबर ऑफ कार्बन होती है। लेकिन इसमें एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, सही है। हमारे पास जब भी आइसोसिट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फा केटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखो कि अल्फा ग्लूटरेट में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं, कीटो शुगर है इसमें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इसकी प्रोडक्शन के, अल्फा ग्लूटरेट के प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाती है, और प्रोडक्शन ऑफ एनएडीएच यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनएडीएच का प्रोडक्शन होगी। फिर अल्फा ग्लूटरेट को फिर कन्वर्ट करता है स्पेशलाइज्ड ऑफ एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें किसमें, सुसिनाइल को एंजाइम में, किसमें, और मेलेट अगेन ऑक्सिलो एसिटेट बन जाता है। तो इसलिए हम इसको साइकिल इसलिए कहते हैं,
जिस जहां से शुरुआत होते हैं इस पे ही दोबारा इन हो जाते हैं, इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं, क्रिप्स साइकिल कहते हैं। लेकिन याद रखो कि क्रिप साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, आइदर एटीपी, एटीपी प्रोडक्शन होती है, हमारे पास एनएडीएच का प्रोडक्शन कितने 1 2, हमारे पास एनएडीएच कितने बन गए 1 2 3, 3 एनएडीएच, एक एनएडीएच कितने एटीपी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते 3, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गए 9, और एफएडीएच कितने हैं 1, तो एक एफएडीएच कितने एटीपी प्रोड्यूस करते 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गए 9, और दो कितने हो गए 11 हो गए, और एक एटीपी ये हो गए, तो कितने एटीपी देते हैं क्रिप्स साइकिल में 12, 12 एटीपी देते हैं। याद रखो कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम है जो जिसको हम क्या कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्या कहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है, जो आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करता है अल्फा गेटोरेट में, व्हेन देयर इज, जब हमारे जिस्म में प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ज्यादा होगी तो यहां पर इनहिबिटरी रिएक्शन होगी, यानी आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा। जब आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज काम नहीं करेगा तो अल्फा गेटोरेट ये चीजें नहीं बनेगी, क्योंकि आपके जिस्म को एटीपी की नीड ही नहीं है। लेकिन व्हेन देयर इज हायर प्रोडक्शन ऑफ एडीपी, जब एडीपी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, आपके जिस्म को एनर्जी की नीड है, आपकी जिस्म को एटीपी की नीड है, एटीपी की नीड है, क्या क्या शो करेगा, व्हेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ एडीपी तो क्या होगा, तो अल्फा सॉरी आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, कंटिन्यूली क्रिप्स साइकिल को कंटिन्यू रखेगा, सही है, इस पूरे साइकिल को कंटिन्यू, इन साइकिल में अगर दूसरे एंजाइम डेफिशिएंसी होगी तो क्रिप्स साइकिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरी साइकिल को कौन कंटिन्यू रख सकता है, ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पूरी साइकिल को भी कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन कब कंटिन्यू रखेगी, कब नीड होगी, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, सही है, व्हेन देयर इज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम विल बी स्टॉप देयर वर्क बिकॉज योर बॉडी डू नॉट नीड, सही है, एनर्जी। तो हमारे पास क्रिप्स साइकिल में इस तरह काम होता है। इसके बाद हम प्रोटॉन को पढ़ते हैं, लेकिन याद रखो प्लीज